day 5. 5 दिन हो गए मैं घर से बाहर नहीं निकला और अब मुझे ना काफ़ी कुछ अजीब अजीब सा फील भी होने लग गया है. लेकिन खैर आज की जो वीडियो है उसका बहुत ही स्पेसिफिक हमारा एक टॉपिक है और बहुत ही स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है और वो ये कि आज हम लेंगे सेल्फ पोर्ट्रेट्स. मैं बहुत सारे लोगों की पिक्चर्स लेता हूँ लेकिन मेरी कोई भी पिक्चर अच्छी नहीं लेता, तो मैंने ये सोचा है कि आज मैं अपनी अच्छी पिक्चर्स लेने की कोशिश करूँगा. तो उसमें सबसे पहली बात तो है कि वो इस हुलिये में तो ली नहीं जा सकती, सबसे पहले हम कर लेते हैं चेंज. आप भी जाके चेंज कर लें. ऑब्जेक्टिव आज का बहुत सिंपल है, कम से कम एक ऐसी तस्वीर आनी चाहिए जो कम से कम हम अपने इंस्टाग्राम फेसबुक यूट्यूब वगैरह पे लगा सकें, क्योंकि मैं लोगों की तस्वीरें खींचता हूँ ऐसी और लोग तस्वीरें मेरी खींचते हैं ऐसी. इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं डिस्क्लेमर दे दूं कि आई एम नॉट अ फोटोग्राफर, मुझे फोटोग्राफी बिल्कुल नहीं आती है और मुझे बहुत कम एडिटिंग भी बहुत कम ही आती है. मैं एक वीडियोग्राफर हूं, मैं वीडियोस बनाता हूं, तो ये डिस्क्लेमर है सबसे पहले. जिस जगह मैं फोटोग्राफी का स्टंट करने वाला हूं वो बेसिकली मेरी छत ही है और मेरी छत कोई इतनी ख़ास वो नहीं है जिसके अंदर बहुत अच्छी अच्छी जगहें हो जहां बैठ के मैं आराम से शूट कर लूं, तो इट विल बी अ चैलेंजिंग लेकिन मज़ा आएगा. क्योंकि आज जो मौसम है वो ड्रीम होता है एक फ़ोटोग्राफ़र का, क्योंकि आज एक ओवरकास्ट डे है, यानी कि सूरज नहीं है लेकिन उसकी बहुत अच्छी डिफ्यूज़ लाइट है, तो मज़ा आएगा मुझे इस लाइट के अंदर शूट करने में. और इस वीडियो के अंदर मैं वो दो चार टिप्स भी आपको बताऊंगा जो मैंने बहुत सारे ट्यूटोरियल्स देख देख के सीखी हैं, कभी अप्लाई नहीं की हैं, आज करके देखूंगा लेकिन वो मैं अलॉन्ग द वे आपको बताता रहूंगा. तो सबसे पहले हम डिसाइड कर लेते हैं हम पहला एंगल क्या लेंगे. अच्छा, मैं आपको अपना सेटअप दिखा दूँ कि ये मेरा व्लॉगिंग कैमरा होगा जिससे मैं व्लॉग कर रहा हूँ और मेरा जो दूसरा A7 III होगा उससे मैं पिक्चर्स लूँगा. तो सबसे पहले तो मैं उसको कनेक्ट कर लूँ अपने फ़ोन से ताकि मैं जब फ्रेम बना रहा हूँ तो मैं देख सकूँ कि मैं फ्रेम क्या ले रहा हूँ. वैसे तो आप लोग समझ गए होंगे ये क्या हो रहा है लेकिन मैं आपको फिर भी बता देता हूँ. ये हो ये रहा है कि ये वाला जो कैमरा है ये उसकी स्क्रीन जो है वो मुझे इस पर शो हो रही है, यानी कि ये कैमरा जो भी देख रहा है ना वो मैं इस पर देख सकता हूँ. तो अब मैं करूँगा यूँ कि मैं इस कैमरे को जगह जगह जा के रखूँगा और उसके बाद अपना इसके अंदर फ्रेम देखूँगा कि हाँ सही है और फिर यहीं से क्लिक करूँगा, मेरी पिक्चर खिंच जाएगी. अच्छा, अब मज़े की बात ये कि बारिश हो रही है, ये मौसम इंतहाई ज़बरदस्त है फोटोग्राफी के लिए लेकिन इसके अंदर इतनी बारिश हो रही है जिससे तफरी नहीं ली जा सकती लेकिन अपने कैमरे की ऐसी तैसी करवाई जा सकती है. तो अब एक चैलेंज ये भी है कि मैं ये खुले में कहीं नहीं रख सकता, तो जल्दी से इसको लेके चलते हैं. क्योंकि बारिश शुरू हो गई तो पहला फ्रेम हमने अंदर ही चूज़ कर लिया, तो अब मैं करूँगा ये और मैं इस दीवार पर खड़े होकर बाहर देखूँगा बाहर की तरफ. तो पहली पिक्चर हम कुछ ये लेने की कोशिश कर रहे हैं. चले मैं एक फोटोग्राफी टिप देता हूँ. ये जो मैं लो एंगल से अपनी पिक्चर खींच रहा था ना, ये होता है कि जब आपको भारी आना होता है ना, मतलब यानी कि आपको एकदम बॉसी अपने आप को दिखाना था, तो आप हमेशा लो एंगल से पिक्चर लेते हैं. तो इसको याद ऐसे रखिएगा, जब आप कहते हैं ना यार ये तो हल्का ही नहीं आता, भारी आता है तो भारी हमेशा ऊपर से आता है ना, तो जब आपको किसी को भारी दिखाना हो, किसी को रौबदार दिखाना हो, बॉसी दिखाना, तो हमेशा नीचे से ना ऐसे एंगल से पिक्चर लेंगे. और इसी के बरक्स अगर आपको किसी को स्मॉल दिखाना हो, छोटा दिखाना हो, डरावा दिखाओगे तो आप उसकी ऐसे ऐसे पिक्चर लेंगे यूं करके ना, तो वह एक डरावा और इस तरह ना बहुत शैलो छोटा इंसान नजर आएगा. लेकिन यूं करके आप इसको ऐसे कर दें, देख रहे हैं भरम. ये अच्छा हुआ कि बारिश वारिश का सीन ख़त्म हो गया, अब मैं थोड़ा सा बाहर भी शॉट्स ले सकता हूँ. तो अब एक दूसरा एंगल देखते हैं उस पर कैसे आती हैं. अच्छा, अब इसके अंदर चैलेंज ये कि लाइट सोर्स जो सूरज है वो पीछे है, तो अब पीछे से लाइट आ रही है तो मुझे कंपनसेट तो पीछे वाली लाइट के लिए करना है ना, ताकि आसमान भी तो नज़र आए. अगर मैं अपने चेहरे को एक्सपोज करूँगा ज़्यादा तो यहाँ इस तरफ तो अंधेरा है, तो एक्सपोज जब चेहरा ज़्यादा होगा तो वो पीछे वो ब्लू आउट हो जाएगा. तो इस वजह से मैंने आसमान को कैप्चर किया और अपने आप को थोड़ा सा कंपनसेट करके काला कर लिया, तो मैं इतना काला नहीं हूँ जितना इस पिक्चर में आया हूँ. अच्छा, अब ये हो गया. अब एक नेक्स्ट शॉट मैं लेना चाह रहा हूँ. अच्छा, मैं चाह रहा हूँ एक ना मेरा फुल बॉडी शॉट आए पूरा ऊपर से नीचे तक का. अब उसके लिए लेकिन उसके लिए ऐसा भी तो हो ना कि मतलब बैकग्राउंड थोड़ा अच्छा हो और थोड़ा ताकि मैं थोड़ी डेप्थ भी शो कर सकूँ. तो चले मैं फुल बॉडी शॉट के लिए ट्राई करता हूँ. अब मैंने इसको ना वर्टिकल सेट कर लिया है ताकि मैं स्ट्रेट ऑन पूरी पिक्चर आ सके. तो लेट्स सी, फ्रेम तो आई थिंक अच्छा बन गया है लेकिन मुझे शूज़ पहने होने चाहिए इस शॉट के लिए, तो मैं ज़रा शूज़ पहन के आता हूँ.
चले भाई ये एंगल भी हो गया, अब एक काम करते हैं इंडोर जो मैंने लाइट्स लगाई ना ज़रा उनसे एक आज शूट लेने की कोशिश करते हैं, देखते हैं वहाँ कैसी आती है। अच्छा अब जो मैं आखिरी पिक्चर लेने लगा हूँ वो काफ़ी क्रिटिकल है, उसके अंदर मुझे वो जो मेरी लाइट्स हैं ये मैं चाह रहा हूँ कि मैं पीछे खड़ा हूँ और बीच में लाइट हो और इस तरफ से मैं पिक्चर ले सकूँ। अच्छा हाँ चैलेंज इसके अंदर ये कि इस कैमरा के अंदर क्योंकि ये बहुत दूर होगा लाइट सोर्स से तो बहुत लिजमिजी सी आएगी और मैं कोशिश करूँगा मैं कमरे में अंधेरे से अंधेरा कर दूँ तो ये सारी लाइट्स मैं बंद कर दूँगा ताकि उसका ड्रामेटिक इफेक्ट आए। तो मेरे ख्याल में वीडियो शायद उसकी इतनी अच्छी ना आए और शायद पिक्चर भी अच्छी ना आए, लेकिन आई हैव टू ट्राई इट। तो मैं वो चेक करता हूँ मैं कैमरा यहाँ लगा के, खैर मैं यहाँ से खड़े होकर ये वीडियो बनाने लगा हूँ तो लेट्स सी क्या आता है। तो इस तरह मेरे शूट का हुआ पैकअप। मैं अपनी तमाम पिक्चर्स को एक नंबर दे दूंगा जब 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 मैं उनको पोस्ट कराऊंगा, तो आपको जो पिक्चर सबसे ज़्यादा पसंद आई उसका मुझे नंबर कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन सी सबसे अच्छी लगी पिक्चर। और अगर आपके पास कोई मेरे लिए फोटोग्राफी की टिप्स हैं जो कि आई एम श्योर के बहुत सारी होंगी क्योंकि मुझे अभी इतनी अच्छी आती नहीं है, मैं सीख रहा हूँ, तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो इस वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करता हूँ, उम्मीद है कि आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे, कोशिश करूँगे घर से ना निकलें, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं जितना भी कंटेंट घर के अंदर हो सकता है वही बनाऊँ और देखते हैं मैं इसको कितना ज़्यादा पुश कर सकता हूँ कि मेरे पास यही जगह है शूट करने की। इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि मैं बहुत जल्द दोबारा एक नई वीडियो के साथ आऊँ और तब तक आप ये वीडियो इन्जॉय करें और इंशाल्लाह जब तक मेरी वीडियो आती है नई तब तक के लिए। मैं बैठा हुआ कुछ अजीब नहीं लग रहा लेकिन पिक्चर्स मुझे अच्छी लग रही हैं, ऊपर से अंकल देख रहे हैं मुझे एक।